हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आ रखी हूँ बेसन के लड्डू। अगर आपको मार्केट जैसे बेसन के लड्डू घर में बनाने हैं तो मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेसन के लड्डू बनाने के लिए मैंने एक कटोरी यहाँ पे घी लिया है, कुछ ड्राई फ्रूट्स, एक बड़ी कटोरी बेसन और एक बड़ी कटोरी मैंने यहाँ पर पूरा लिया है। आप अपने परिवार के हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हो। अब कढ़ाई अच्छी तरीके से गर्म हो चुकी है, मैं इसमें एक कटोरी घी डाल दिया है। आप रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। अब घी गर्म हो चुका है, मैं इसमें एक कटोरी बेसन डाल देती हूँ। इसको चलाते रहना है। अब मैं इससे लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट तक चलाती रहूँगी और इसको अच्छी तरीके से भूनना है। अब इसका कलर चेंज होने लग गया है और इसने घी भी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब इसको हम थोड़ी देर और भूनेंगे। ये तैयार हो चुका है, मैं गैस बंद कर लेती हूँ। अब हम इसे थोड़ा ठंडा करेंगे। इसको हमें ज़्यादा ठंडा नहीं करना है और ज़्यादा गर्म भी नहीं रखना है। अब मैं इसमें इलायची पाउडर और कुछ ड्राई फ्रूट्स और मैं इसमें बूरा मिला देती हूँ। इसे हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करना है और अगर आपको घी कम लगे तो आप इसमें घी ऐड भी कर सकते हो। आप चाहे तो इसमें नारियल का बूरा भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, हमें बेसन के लड्डू बना लेती हूँ। आप अपनी इच्छा के अनुसार बड़े या छोटे भी बना सकते हो। एक बड़ी कटोरी में 20 से 22 लड्डू बनते हैं। अब मैं इसी प्रकार से सारे लड्डू तैयार कर लेती हूँ। सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं। अगर आपको मार्केट से भी अच्छे लड्डू घर पे बनाने हैं तो ट्राई ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।